कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तरकाशी के पौराणिक और ऐतिहासिक पंचकोसी वारुणी यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने इस यात्रा में लोगों से न जाने की अपील की, साथ ही डीएम ने पुलिस को सतर्कता बरतने और एसडीएम भटवाड़ी को इस यात्रा पर पूरी नजर रखने के निर्देश दिए। सोशल गैदरिंग्स को जितना कम रखा जाए यही हम लोगों का प्रयास है। इसी क्रम में जो रिलीजियस या ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किए जाने की हमारी कोशिश है, तो इसी के तहत वारुणी यात्रा को लेकर मेरे द्वारा एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो कन्वींस करते हुए लोगों को सकारात्मक तरीके से समझाएं और इस यात्रा को टालने के लिए लोगों को आह्वान करें या उनसे रिक्वेस्ट करें। कोरोना महामारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने आयुर्वेदिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने को लेकर निरीक्षण किया। चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों को कोरोना वायरस सावधानी और बचाव के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पूरे शहर सहित बस अड्डे और वाहनों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए। हॉस्पिटल में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिसमें पीएमएस और एसीएमओ साहब और ओसी मेरे साथ में हैं। जो कुछ चीज़ें छूटी हुई थी उनके लिए हम लोगों की तरफ से निर्देश दिया गया, जैसे वॉशिंग मशीन लिया जाने या गीज़र लगाए जाने जैसी जो फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा की जानी। अदरवाइज हमारी 10 बेडेड फैसिलिटी ऑलरेडी तैयार है और किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लोग तैयार हैं। आइसोलेशन के हमारे पास में 2 से 3 सेंटर्स हैं। फर्स्ट सेंटर हमारा मेन हॉस्पिटल में 12 बेडेड फैसिलिटीज़ के साथ में, और वो पूरी तरीके से तैयार है और एनी टाइम उसको हम लोग यूज़ करने की कंडीशन में। सिमिलरली हमारा सेकंड आईटीबीपी में है, जिसमें 10 बेडेड फैसिलिटी हमारी क्रिएट होने की कैपेसिटी है, और थर्ड बॉर्न में हम लोग अपने रिसोर्सेज को पुल इन कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं, तो वो किसी भी बड़ी इमरजेंसी के लिए काफ़ी बड़ा आइसोलेशन सेंटर के तौर पे और क्वारंटीन सेंटर के तौर पे काम करेगा। स्टाफ की ट्रेनिंग में उस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, क्लीनिंग को लेकर, प्लस आपका जो मैस कैसे चलनी है, खाने को लेकर, कैंटीन फैसिलिटी, और इसके अलावा आपका किस तरीके से क्वारंटीन और आइसोलेशन वार्ड में सतर्कताएं रखी जानी है, उन सारी चीज़ों को लेकर, पीपीई कैसे पहना जाना है, एम्बुलेंस में से मरीज को लाते टाइम क्या कैसे सावधानियां रखी जानी है, सुरक्षाएं रखी जानी, उन सारी चीज़ों को लेकर लगातार हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। और इसके बाद भी हमारा हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बेहतर तरीके से किसी भी इमरजेंसी को। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए सतर्कता और सफाई पहली जरूरत है। इसमें घबराने की नहीं, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना वायरस से बचाव का सबसे बड़ा उपचार सफाई ही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।